बनाई जा रही है मतपत्रों की गड्डी, मतपत्रों की आखिरी गड्डी बनाई जा रही है। तो शाहजहांपुर में भी अब तक मतगणना शुरू यहां पर नहीं हो पाई है। अब तक यहां मतपत्रों की गड्डियां ही सिर्फ बनाई जा रही है, मतपत्रों की आखिरी गड्डी बनाई जा रही है। तो प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशासन की हिलावाली भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत लापरवाही भी कह सकते हैं, जिस वजह से अभी तक यहाँ मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। अब तक बनाई जा रही है मतपत्रों की गड्डी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव लगातार बने हुए हैं। शिव, अभी तक वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है? तौर पर जिला प्रशासन की तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन अभी वक्त काफी हो गया है। लेकिन अभी जो अंदर से जानकारी मिली है कि जो मतपेटी थी उसको, वो आखिरी मतपेटी, उसको खोला जा रहा है, उसकी गड्डी बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर एक हफ्ता वक्त बीत चुका है। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि वहां पर काउंटिंग शुरू भी हो गई, नतीजे भी आने लगे, लेकिन अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। इस देरी की वजह क्या बता रहे हैं अधिकारी? इस देरी की वजह क्या बता रहे हैं? लाइन की बात है कि जो काम है बेहद सुस्त है, जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार लोग अंदर बैठे हैं, उनका काम बेहद सुस्त है। इसकी वजह से काउंटिंग लेट हुई है। हालांकि ज्यादा नहीं, सिर्फ 27 जो बूथों पर वोटिंग, 27 पेटियां। ठीक है, आप काम रुक करेंगे, जरा मेरठ का भी हाल जान लेते हैं। पारस हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। पारस, मेरठ में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, अपडेट दीजिए। देखिए बिल्कुल, मेरठ गाजियाबाद प्रत्याशी एमएलए सीट की मतगणना लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद है परतापुर के कताई मिल पर, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 4150 मतगणना की वोट काउंटिंग आज होनी है। 14 टेबल्स बनाई गई हैं, प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक टेबल पर एक पोलिंग एजेंट की भी ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है कि कौन आगे चल रहा है। भाजपा से धर्मेंद्र मैदान में है, जबकि सपा रालोद गठबंधन से सुनील लोटा मैदान में है।